तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि अमेरिका अपनी विदेश नीति के कारण पूरी दुनिया में बदनाम है, और इसलिए अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की दोस्ती से अच्छी तो अमेरिका की दुश्मनी है, क्योंकि अमेरिका अपने हितों के खातिर दोस्तों को भी बर्बाद करने से पीछे नहीं हटता। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कई देशों को गंभीर अंजाम भुगतना पड़ा है, और अभी हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे पूरी दुनिया एक फिर से हिल गई है। दरअसल आप सभी को पता है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अभी चाइना की यात्रा पर गए थे, और यहां पर इन्होंने चीन के साथ कई प्रकार की मीटिंगें की और संबंधों को सुधारने को लेकर भी चीन और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई। परंतु अचानक से अमेरिका और चीन की मीटिंग के पश्चात अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का ताइवान को लेकर एक बयान निकल के सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि चीन के खिलाफ जाकर हम ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा कभी नहीं देंगे। अब आप सभी को पता है कि अमेरिका ही वो देश है जिसके भरोसे ताइवान चीन से भिड़ने को तैयार है, और आज जो चीन और ताइवान के बीच में टेंशन है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा ही बढ़ाई गई है, और अमेरिका ने ताइवान को बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार बेचे हैं, और आज अचानक से अमेरिका इस प्रकार से पलट जाता है और अमेरिका कहता है कि हम ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानेंगे। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा कि चीन और ताइवान के मुद्दे पर किसी एक पक्ष की एक तरफा कार्रवाई का अमेरिका हमेशा ही विरोध करेगा। परंतु अब अमेरिका के इस प्रकार के कदम से भारत के यहाँ पर भी शंकाएं उठ गई हैं कि जिस प्रकार के वादे अमेरिका भारत के साथ चीन के खिलाफ लड़ाई में कर रहा है, क्या वो वादे अमेरिका भारत के साथ चीन के किसी भी प्रकार के संघर्ष में निभाएगा, या फिर ताइवान वाले मुद्दे के जैसे ही भारत और चीन के विवाद से अपने आप के हितों को देखते हुए चुपचाप अपने आप को साइड कर लेगा। हालांकि आप सभी को पता है कि भारत ने चीन को लेकर अमेरिका के सामने एक बात स्पष्ट कर दी है। जब भारत ने कहा था कि हम नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, और रही बात चीन की, तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि चीन से हम अपने दम पर ही आसानी से निपट सकते हैं, यानी भारत चीन वाले मुद्दे के ऊपर अमेरिका की किसी भी झांसे में नहीं आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।